हेलो एवरीवन, मेरे के लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, कुछ सही सरप्राइज है आपके लिए, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखो, ये बिल्ली दूध पी रही है, भूखी है, रोती रहती है, तो मुझे पता ही नहीं थी क्यों रोती है। एक इसके छोटा सा बच्चा भी है, तो मैं सोच रही मेरे गार्डन में पता नहीं क्यों घूमती रहती है, शायद चिड़िया की वजह से घूमती रहती है। और मैंने इसको रात भी ब्रेड और दूध दिया, और अभी भी ये ब्रेड ये चारों तरफ से निकाल के और इसको दूंगी, तो ये बच्चे को अपने दूध पिलाती है, इसलिए ये भूखी रहती है। ये देखो, अभी बच्चा भी इसका बोल रहा है, देख ये भी खा ले। दूध पी के आराम से ब्रेड खा के आराम से बैठी है, और इधर बच्चा भी देखो ये खा रहा है अभी। इस समय तो कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पे घूमता हुआ ये, तो इसने भी कुछ खा लिया है दूध ब्रेड, और वो भी अपना मस्त होके घूम रहे हैं दोनों माँ बेटा। ये देखो, ये पीछे गमले रखे हैं, इनमें ये खेलते रहते हैं बस, और बैठी रहती है अपना। ये देखो, वो अपना घूम रहा है, आराम से घूम रहा है। ये देखो, वो आ रही है, फिर आ रही है कुछ कहने के लिए मुझे, तो अभी कुछ फिर ढूंढ रही है। और अभी मैंने इसको दूध ब्रेड दिया है, पानी भी दिया, और फिर ढूंढने में लगी है। उधर से वो आ रही है आराम से। देखो, आज तो मैं इसी की वीडियो देखो बना रही हूँ। आई थी मैं पानी देने के लिए अपने प्लांट में, और मैंने इनको देखा ये बोलने लगी बिल्ली, तो पानी देखते के साथ ही, तो मैंने फिर पहले ही इसको पीने के लिए दिया, तो अब आराम से बैठी, अब नहीं बोल रही है, अब कुछ भी नहीं कह रही, यहाँ आराम से बैठी। और वो बच्चा भी आराम से घूम रहा है, तो देखो अब डर भी नहीं रहा, दोनों आराम से। पहले मैं आती थी तो भाग जाते थे, अब देखो कितने आराम से प्यार से बैठी हुई है। ये देखो, देखो कुछ म्याऊं म्याऊं करके कुछ बोल रही है धीरे धीरे प्यार से, कितनी अच्छी लग रही है। अब देखिए, कभी खाती है, कभी मुझे पता नहीं क्या धन्यवाद देती है, क्या करती है। तो ये देखो, उधर बच्चा भी बैठ के अपना खाना वाना खा के, अपना दूध पी के और खा के अपना आराम से बैठा है गमलों के बीच में बिल्कुल। अब उसको दोबारा भूख लगी, फिर खाने लगी। अच्छा ठीक है, चलो बाय बाय, फिर आऊँगी तुझे खाने के लिए कुछ लेके आऊँगी फिर, और फिर मैं तुझे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद, एक घंटे के बाद। आराम से सो गई है। मैं मिर्च हार्वेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी इन पे मिर्च आ गई है, और ये बहुत लंबी नहीं होती लेकिन चटपटी होती है, तो इनको मैं हार्वेस्ट करूँगी आज। और देखिए कितनी सारी ये लगी हुई है, तो देखो सारे ही प्लांट पर। तो ये क्या होता है, अगर ज़्यादा मिर्च हो जाती है तो ये प्लांट ना झुकना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इनसे और बीच बीच में मैं इनसे मिर्च लेती रहती हूँ। तो ये काफ़ी सारी लगी हुई है, ये देखो सारे प्लांट में मैं दिखा रही हूँ आपको, और इधर एक प्लांट अलग है। तो ये देखो इस छोटे से डिब्बे में भी या गमले में भी, और देखो कितनी खूबसूरत मिर्च लगी हुई है। और मिर्च के मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो गए, एक प्लांट इधर भी है, बहुत सारे प्लांट हो गए। इस पर भी अब फूल बनना शुरू हो गया, तो इस पर भी मिर्च लगेंगी अब। तो ये देखो, अगर हम मिर्च बो देते हैं तो कितनी सारी हमें फ्री में मिर्च मिल जाती है, और वो भी बिना केमिकल वाली। तो देखिए, इसको मैं आज हार्वेस्ट करने वाली हूँ, ये ऊपर वाली, ये इस तरह कितनी सुंदर है, ताज़ी ताज़ी, जितना ज़रूरत है उतना मैं तोड़ लेती हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो ये आज मैं कुछ मिर्च तोड़ूँगी, इधर से कल तोड़ूँ, और दो चार पाँच जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतनी मैं तोड़ लेती हूँ रोज। और ये हमने टमाटर के प्लांट उस दिन लगाए थे, तो ये भी देखो ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल अच्छे हो गए, अब चलने लगे, ये अब जो है ग्रोथ पकड़ने लगे धीरे धीरे। ठीक है, मिर्च तो हार्वेस्ट कर ली हमने, और अब मैं करूँगी, ये एक तुलसी होती है, देखो ये विदेशी तुलसी होती है, एक हमारी इंडियन तुलसी होती है, तो वो तो हम चाय में औषधि के रूप में लेते हैं, और ये हमारे ये जो है विदेशी तुलसी, तो ये खाने में भी काम आती है, जैसे पकौड़ी में, सब्जी में और दाल में तड़का लगाने के लिए। तो मैं इसको रोज़ यूज करती हूँ, ये देखो रोज़ इस पर इस तरह से मैं पत्ते भी ले लेती हूँ, और ऊपर से भी ऐसे कट कर लेती हूँ इसकी, तो ये और नई नई ब्रांचेस में कितनी सारी आ जाती है, ये देखो। तो ये काफ़ी ये भूसी भी हो जाती है जितना हम इसे तोड़ते हैं ऊपर से, जैसे ये है मैं इसको ऊपर से ऐसे तोड़ दूँगी यहाँ से, तो ये नीचे तक फिर
ये भूसी हो जाएगी ऊपर से फिर। तो इस तरह से कितने सारे इसमें ये बंच और आ जाते हैं स्टेम। तो देखो मैं ऐसे ही तोड़ लेती हूँ ऊपर से, तो ये काफ़ी काम आते हैं ये, और इसकी अच्छी लगती है इसकी जो जब डालते हैं इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। तो ये भी मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। और अब मैं करूँगी, एक पालक है मेरे पास जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो इसको भी मैं रोज़ हार्वेस्ट करती हूँ। ये देखिए ये वो वाला पालक है जो चाइनीज पालक बोलते हैं जिसको, इसको भी अभी तो देखो दोपहर है ना तो धूप से थोड़ा सा ये इस तरह हो गया, तो काफ़ी ग्रीन रहता है, अभी भी ग्रीन ही लग रहा है। तो इसको भी मैं ऐसे करती हूँ ऊपर से, जैसी है ऊपर से है इसको ऐसे करके ले लेती हूँ ऊपर से, और कुछ जो बड़ी पत्तियाँ होती हैं वो ले लेती हूँ। तो ये मेरा रोज़ का काम है, रोज़ हार्वेस्ट करती हूँ। तो इसी को ये ऐसे फिर इतना ये फैल जाता है, भूसी हो जाता है। ये देखो इधर से कट कर लिया मैंने, सब इधर से ये कट करा हुआ है मेरे सारे इस तरह, तो ये सब भूसी हो जाता है फिर बाद में। सारे कट करे हुए जितनी भी इसमें ये ब्रांच है, एक एक में दो दो हो रही है, तीन तीन हो रही, तो ये सारी मेरी कट करी हुई। तो ये मैं इसको हार्वेस्ट कर लेती हूँ, रोज़ दाल में डालती हूँ इसको, इसको दाल में तड़का लगाती हूँ और पकौड़ी में भी डालती हूँ इसको जब पकौड़ी बनाते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी होती है, ये भी जो है ब्लड को बढ़ाती है, ब्लड की पूर्ति करती है। इसको भी अगर लेते हैं तो मैं तो काफ़ी मैंने अब इसी तरह के प्लांट लगा लिए। पहले मैं डरती रहती थी कि हाँ बंदर आएगा वो तोड़ेगा खा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बहुत सारे प्लांट लगा लेते हैं तो बंदर भी वहाँ नहीं आते, कम आते हैं और कोई नुकसान भी नहीं करते। और बंदर भी वहीं नुकसान करते हैं जहाँ थोड़े बहुत प्लांट होते हैं उन्हें दिखते हैं, तो वो वहीं पे करते हैं। और ज़्यादा जहाँ हम प्लांट थोड़े लगा लेते हैं और ऐसी झोंडे में लगा लेते हैं तो बिल्कुल भी नहीं आते। जब से मेरे प्लांट बढ़ गए हैं तो बंदर अब मुझे यहाँ नीचे आता भी है तो वो चला जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आते फिर बाद में। ऐसे देखो इतना सारा ये झुंड में रखे हुए, और मैंने तो बंदर यहाँ आते हैं चले जाते हैं मगर कोई नुकसान नहीं करते। और इक्का दुक्का सबसे ऊपर वाली छत पे इक्का दुक्का थोड़े बहुत चार पांच गमले रखे हैं मैंने, तो उनको कभी कभी जो है एक आध गिरा के चले जाते हैं, मैं सीधा कर देती हूँ बस ये होता। लेकिन मैंने अब सब्जियाँ वब्जियाँ सब लगानी शुरू कर दी हैं, फल भी लगा। मेरा सरप्राइज़ आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।